हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कुणाल, आप देख रहे हैं कुणाल YT। मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं, जिसमें हम करेंगे आज गूगल ड्राइव के बारे में थोड़ा जानेंगे कि गूगल ड्राइव कैसे चलाते हैं, क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा आज जानेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नए अपडेट आपके पास आते रहें। ये है हमारा गूगल ड्राइव। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले होता है ये माई डिवाइस। माई डिवाइस में ये होता है, जो भी अपलोड करेंगे सामने ये जो भी अपलोड करा हमने इसमें वो दिखता रहेगा। और अब आ जाते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ये होता है जैसे कि आपकी कोई ईमेल लैपटॉप पर डली हुई है, जैसे वाली ईमेल जो है आपकी लैपटॉप में डली हुई है, जो भी आप लैपटॉप के अंदर अपलोड करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक ईमेल, जो यहाँ से अटैच होती है। ये देखिए मेरी एक ईमेल लगी पड़ी है। इसको चलाने सबसे पहले ईमेल की जरूरत होती है। इसको हम कट करेंगे नीचे से, ये ऊपर आप कट का ऑप्शन देख रहे हैं, इसको बैक करते हैं। आप सिंपली आ जाएंगे माई डिवाइस पे, अब दबाएंगे हम शेयर इट। जैसे आप कोई भी फोटो शेयर करते हो वो यहाँ दिखाई देगी, जैसे आप कोई फाइल शेयर करी तो यहाँ दिखाई देगी। इसके बगल में आप स्टार का बटन देख रहे हैं, ये स्टार पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई 200 समथिंग कोई फाइल हो जाती है ज़्यादा, और आप उस पर से किसी को भी स्टार का ऑप्शन दे देते हो तो ये स्टार पे आ जाती है, वो सबसे ऊपर दिखाई देगी। इसके बगल में होम का बटन नहीं है, एक सेकंड रिफ्रेश मारता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे होता है जो भी हमने अपलोड करा है, जितना जब कुछ अभी तक जब जो भी हमने अपलोड करा होगा वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। बिल्कुल माय डिवाइस में होता है, जैसे सिंपली एकदम बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आ जाएंगे वापस फाइल पर। आप देख सकते हो फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, जो नीचे के ये तीन हैं गूगल वाले, ये सारे ऐप हैं। अब आ जाएंगे हम ऊपर फोल्डर पे। फोल्डर पे क्लिक करते हैं एक बार। ये देखिए फोल्डर नाम दे रहा है कि आप कोई नाम रख सकते हैं। मैं अपना नाम रख दूंगा इसके अंदर, कुणाल YT। और ये आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ये क्रिएट का, ये क्रिएट का ऑप्शन है सामने, इसको हम क्रिएट कर देंगे। देखिए हमारा फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर कुछ खाली पड़ा भी है। इसका प्लस का ऑप्शन देख रहे हो आप, ये प्लस का ऑप्शन है सामने, इस प्लस का ऑप्शन हम टच करेंगे। अब दिख रहा है अपलोड का ऑप्शन है, ये अपलोड पर टच कर देंगे। अब जैसे सिंपली कोई भी अगर आपको कोई फाइल हो, एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, आप इसमें डाल सकते हैं। सॉरी और हम डालेंगे नीचे आएंगे, एक सेकेंड कुछ डालने के लिए मिल नहीं रहा इस पर। देखो सॉरी ये भी नहीं, नीचे ये थ्री डॉट पे आते करो, थ्री डॉट पे जाके व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में आते। ये हमारा सब सिंपली व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स। हाँ यहाँ से मैंने कोई फ़ोटो चूज़ कर लूँगा, एक मैं ये एक फ़ोटो ये मैंने चूज़ करी है, जो कि हमने अभी ये देखिए वेटिंग फ़ोटो अपलोड होने लग गए हैं, अभी अपलोडिंग हो रही है। और हम सिंपली इसे बैक कर देंगे, एक सेकंड रुके देखते हैं, चलो अपलोड हो जाए। चलो बैक कर लेते हैं, बैक करके हम आ जाएंगे अब अपलोड पे। प्लस का ऑप्शन दबाएंगे वापस, अपलोड पर आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे हमें कोई भी एक फ़ोटो ले लेंगे, जो कि हमें सीधे फोल्डर से बाहर से अपलोड करनी है। ये अपलोड यहाँ से करनी होगी, वो भी हमें करनी होगी। जैसे हमने ये फ़ोटो ले ली, ये फोल्डर के बाहर अपलोड हो रही है सीधे, ये भी अपलोड हो जान दो, ये भी हो रही है अपलोड, एक सेकेंड। चलो दोबारा प्लस का ऑप्शन दबाते हैं, तो आ जाएंगे हम स्कैन पे। स्कैन टच करेंगे, जैसे हम स्कैन में ये होता है कि कोई भी हम इससे पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। सॉरी जैसे देखिए मैंने इसकी कोई मेरा ये थोड़ा चैप्टर है, इसकी मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी, ये थोड़ा फोकस ले ले, एक सेकेंड वेट करिए थोड़ा, मैंने इसको क्लिक कर ली फ़ोटो। अब हम करेंगे यहाँ से ओके, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ओके का ऑप्शन दिख रहा है, ओके दबा दीजिए। ये ओके हमारा हो चुका है। अब देखिए आगे हमारे पास सामने खुल चुका है, ये कलर्स का है, एक रोटेट का है, एक क्रॉप का है, और शुरू में देख रहे हैं ये बैक का ऑप्शन। हम पहले जाएंगे कलर्स पे, हमने दबा दिया ऑप्शन कलर्स, ये हमारा अभी कलर फिल्टर हो रखा सब कलर ड्राइंग पे। हम इसको करेंगे कलर्स पे। अब जो हमारा ओरिजिनल कलर था ये आ चुका है। अब आ जाएंगे ब्लैक एंड वाइट पे। हम देखिए ब्लैक एंड वाइट हमारा हो चुका है। अब आ जाएंगे हम नन पे कर देंगे, तो बिल्कुल जैसे हमारी सिंपली फ़ोटो थी वैसी हो जाएगी। अब हम कर देंगे ब्लैक एंड वाइट पे। अब हम जाएंगे इस पर रोटेट पे, ये रोटेट ऐसे उससे होती है, और ये क्रॉप करने का ऑप्शन है, एक सेकंड इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं। ये देखिए क्रॉप हो रहा है यहाँ से, अब इसको हमें क्रॉप सेट करना पड़ता है, और कभी एक बार ये फुल सेट कर लेता है अंदर ही। हम इसको ऑप्शन यहाँ पर डन दबा देंगे। ये देखिए हमारी फोटो यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। अब आप तीन ऊपर बटन देख रहे हैं, जो तीन डॉट दिख रहे हैं आप ऊपर डाल सकते हैं, इसका रीनेम स्कैन कर सकते हैं, मतलब आप इसके फाइल का जो आपको नाम रखना है आप सिंपली इससे रख सकते हो। जैसे मैं इसका नाम रखूँगा मेरा इस्लाम का उदय, मतलब ये मेरा चैप्टर है इस्लाम का उदय,
मैं इसमें नाम लिख दे रहा हूँ इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय, यस एंड नोट लगा देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर नाम आ चुका है हमारा इस्लाम का उदय। अब हम वापस सी डॉट पर टच करेंगे, हम इसके सेटिंग पे देखेंगे सेटिंग में क्या होता है। अब देख सकते हो इमेज पे आ चुके हैं हम इसके, ये हमारा इमेज है। एक सेकेंड देख रहे हो चार ऑप्शन मिल गए हमें सामने, हम टच करेंगे पहले इमेज पे। अब देखो हमने इसको ऑटोमेटिक रखा है, इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं करते ना, कहीं लगेगा ना कुछ भी अगर फाइल हमारी बिगड़ जाए यहाँ से, इसको चलो पैक करते हैं। अब यहाँ पेपर साइज़ है, हम यहाँ से भी इसको नहीं छेड़ेंगे। US लेटर में हो रखा है हमारा सेट हो रखा है पहले ही। अब आ जाएंगे हम पेपर पे, अब इसको हमने ऑटोमेटिक सेट कर रखा है, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे ये कैंसिल। अब आ जाएंगे इमेज क्वालिटी पे, ये आपको ऐसे नॉर्मल मिलेगी पर मैंने हाई कर रखी है। बैक करेंगे, कैंसिल करेंगे नीचे और बैक आएंगे। अब देख लेंगे फ़ोटो सेव का ऑप्शन है, नीचे फ़ोटो सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोबारा कह रहा है कि आपको कोई अपना फोल्डर बनाना है, जिस फोल्डर में डालना है आपको, पर मुझे कोई फोल्डर डालना नहीं है सामने, इसको सिंपली इसको सेव करेंगे। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, हम इसको सिंपली सेव करेंगे। ये देखिए ऑप्शन ये रहा, अभी हमारी फाइल भी यहाँ पर भी अपलोड होने लग गई है, ये देखिए होने वाली है, हो गई। तो आप देख सकते हो हमारे जो तीन ऑप्शन थे अपलोड इमेज और जो भी हमारे ऑप्शन थे हम कर चुके हैं। अब आ जाएंगे हम ये फोटो पे थ्री डॉट पे। अब देख रहे हो शेयर का ऑप्शन आ गया है, हम प्लस का शेयर पे जाएंगे तो आप जिस ग्रुप को मतलब कोई ग्रुप का ईमेल का कोई ग्रुप होता है आप वो दबा सकते हो। आप देखो यहाँ पे नोट शेयर लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ सामने आ चुका है कि ऑनर ने भी मना कर रखा है अभी, ओनली पिक पीपल एडिट कैन ओपन विद द लिंक, मतलब खाली अभी लिंक सेंड हो सकते हैं, ये फ़ोटो नहीं जाएगी पूरी अभी। पर मैं इसको चेक कर लेते हैं एक बार, रिंकू ठाकुर एंड, पर मुझे भी किसी को सेंड नहीं करना है तो मैं भी किसी को कुछ छेड़ूंगा नहीं। हम सिंपली इसको बैक कर देंगे, ये ऊपर क्वेश्चन वो देख रहे हो मतलब क्रॉस का, सॉरी ऊपर क्रॉस का वो देख रहे हो साइन देख रहे हो, हम इसको बैक कर लेंगे। अब वापस हम सी डॉट पे जाएंगे, अब इस्लाम के उदय पे जाते हैं एक बार। अब देख रहे हो आप ऐड टू स्टार्टेड, मैंने आपको सिंपली पहले बताया था, नीचे देख स्टार्टेड हो चुका है, ये देखिए। अब हम जाएंगे सामने स्टार ऑप्शन पे, जिससे कि हमारी ये सामने वो वीडियो देखिए फ़ोटो दिख जाएगी, मतलब ये सामने देखिए फ़ोटो आ चुकी है, हमने उस पर स्टार सामने लगा हुआ है। जैसे आपकी कोई समथिंग टू 200 समथिंग कोई फाइल हो जाती है अगर इसमें, अगर उस पर स्टार लगा हुआ है तो आपकी अब से ऊपर फाइल दिखाएगी। अब वापस आते हैं हम, अब आ जाएंगे थ्री डॉट, वापस आएंगे हम थ्री डॉट पर, हम ऊपर करेंगे ये मेक अवेलेबल ऑफलाइन पे, इस पर टच कर देंगे एक बार। अब बताएंगे हम ऊपर थ्री लाइन पे, ये थ्री लाइन पे ऊपर दिख रहे हैं, ये ऑफलाइन लिखिए, रिसेंट के नीचे ऑफलाइन लिखा आ रहा है, ऑफलाइन पे आ चुकी है। ये देखिए सामने हमारी फाइल आ चुकी है, जैसे अगर कोई हमारे को नेट नहीं होता, वाईफाई नहीं होता हमारे पास, कुछ भी कोई अगर कुछ भी हमारे से नेटवर्क के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो हम इसमें जाके देख सकते हैं। वापसी डॉट पे जाएंगे, अब हम करेंगे लिंक शेयरिंग ऑफ पड़ा है हमारा अभी, जैसे हमारी कोई भी फोटो भी शेयर नहीं हो सकती है। अब देखिए टर्निंग ऑन लिंक शेयरिंग हो चुका है हमारा, अब देखिए लिंक शेयरिंग टर्निंग ऑन, अब देखिए हमारे लिंक शेयरिंग ऑन लिखा आ चुका है, पहले ऑफ था अब ऑन हो गया है। अब हम कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, हमारा क्लिप बोर्ड भी बन सकता है, देखिए ये कॉपी लिंक क्लिप बोर्ड हो चुका है। वापस शीट आउट पर जाएंगे अब हम, अब देखिए मेक का कॉपी, मतलब अगर हमें इसकी कॉपी करनी है तो कॉपी हो जाएगी, वो टच करते हैं एक बार इस पर भी, कॉपी पर टच करते हैं, ये हो गया। अब देखिए सामने आ चुका है माई डिवाइस कंप्यूटर शेयर विथ मी स्टार्टेड पर कॉपी करनी है, मतलब इन चारों में से किसी भी कॉपी हो सकती है फाइल ये, पर मुझे भी कॉपी नहीं करनी है, हम इसको बैक करते हैं, चलो एक बार कर ही देते हैं यहीं पर, अगर उसको कॉपी कर देते हैं अगर सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए कॉपी टू इस्लाम का उदय, ये मैं चैप्टर था ये कॉपी हो चुका है यहाँ पर। अब वापसी डॉट पे जाएंगे हम, ये देखिए सेंड अ कॉपी, अगर हमें किसी कॉपी सेंड करनी है तो वो भी हो जाएगा, ओपन विद भी हो जाएगा, पर हम जाएंगे इससे डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारी फोटो गैलरी में आ जाएगी, हम चलो उसको रीनेम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था रीनेम कैसे करना है, इसको दोबारा रीनेम करके देखते हैं, दोबारा टच करते हैं रीनेम पे एक बार। अब ये देखिए मेरा रीनेम इसको कर रखा है, तो वो नहीं करना है। अगर आपको कोई नंबर दिखा रहा हो कि गूगल ड्राइव है ये नंबर है, ये आप अपने रीनेम कर सकते हो। अब वापस ऊपर जा, अब आते हैं हम ऐड शॉर्टकट टू डिवाइस, ये भी इसको चार्ज करके देख लेते हैं एक बार इसमें क्या होता है। ये देखिए सामने चार ऑप्शन खुल चुके हैं, माई डिवाइस में करना है आपको, कंप्यूटर में करना है, शेयर विथ मी में करना है, इसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। अब दोबारा आ जाएंगे ऊपर हम, अब ये मूव डिटेल हम देंगे पर डिटेल में भी, डिटेल एंड एक्टिविटी में आप देख सकते हो मैंने इसमें रीनेम करा था, वो रीनेम आ चुका है, मैंने इसके फाइल की शेयरिंग खोल रखी है, वो शेयरिंग के सामने दिखा रहा है, अपलोड दिस फाइल मैंने टाइमिंग दिखा रहा है कब मैं अपलोड करी थी, ये आ रखा है नो रिकॉर्ड अभी तो, पर जो भी दिखा रहा है
जितना भी आपने इसमें जितनी भी छिड़खानी करी होगी सब इसमें दिखा देगा कि आपकी कितनी एम बी की ये फोटो है, कितनी जी बी की आपकी फाइल आ रही है। यहाँ पर वापस थ्रेडशॉट पर जाएंगे, ऊपर करेंगे, अब आ जाएंगे हम प्रिंट पे। जैसे प्रिंट आपके पास कोई प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हो, पर हम जाएंगे ऐड टू होम स्क्रीन पे। ये ऐड टू होम स्क्रीन सामने आपको दिख रहा है, आपको ऐड टू होम स्क्रीन करते हैं एक बार। देखिए अब आ जाएंगे अपने फ़ोन के होम पेज पे। ये देखिए सामने दिखा रहा है मेरे पीडीएफ फाइल आपके बाहर आ चुकी है एकदम होम पेज पे। ये देखिए वो पीडीएफ फाइल मेरी बन चुकी है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होम स्क्रीन पर आ जाएगी आपके सीधे टच करने पे। पैक करते हैं, सॉरी यहाँ पे गूगल ड्राइव पे जाते हैं, वापस सी डॉट पे जाएंगे। अब हम ऊपर करते हैं, प्रिंट हो चुका है, ऐड टू होम भी हो चुका है। अगर आपसे गलती इस फाइल अगर ये रिमूव हो जाती है, डिलीट हो गई फाइल, तो आप उसको सिंपली ऊपर थ्री लाइन पर टच करेंगे, ट्रैश पर आ जाएंगे, ट्रैश पर थ्री डॉट पर टच करेंगे। ये थ्री डॉट ऑप्शन, ये देखिए रिस्टोर का सामने ऑप्शन दिखाने लग गया है। रिस्टोर कर सकते हो डिटेल एक्टिविटी डिलीट फॉर एवर, पर हमने इसको रिस्टोर कर लिया है क्योंकि हमें डिलीट हमारे से गलती से डिलीट हुई थी, अगर ये तो वापस आ सकती है। अब आ जाएंगे हम अभी रिपोर्ट अब बॉस पे। अगर आपसे कोई गलत फाइल है और किसी ने अब रिपोर्ट कर दी है तो आप इसको वापस हटा सकते हो वहाँ से। अभी तो रिसेंट आ चुका है, रिसेंट में होता है आपका कुछ भी चीज़ आपने जो भी इसमें ऐड करी होगी सब कुछ यहाँ दिखाई। अगर आपका चाहे ऐप हो, कुछ भी फोटो हो, गैलरी हो, गैलरी से कोई फोटो ले रखी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ यहाँ दिखाएगा कि जहाँ पे जो भी आपने ऐड कराया वो यहाँ दिखाएगा। ऑफलाइन बता चुका हूँ, ट्रैश बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन में होता है अगर आपका कोई गूगल डिवाइस से कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो सिंपली वो यहाँ दिखाएगा। कुछ भी तरह का नोटिफिकेशन होगा वो सीधे यहाँ दिखाएगा। जैसे आपके पास कोई भी मैसेज आया तो वो सीधे यहाँ दिखाएगा गूगल ड्राइव का। वापस सी लाइन पर आते हैं, ऊपर करेंगे, बैकअप में आ गए। देखिए अभी बैकअप सामने लिखा है। बैकअप में होता है जैसे कि आपका कोई पहले जो अकाउंट रहेगा उसमें पहले आप कोई ईमेल डली होगी पहले आपकी कोई, तो वो ईमेल यहाँ पे वापस आ सकती है। सामने ऑप्शन दिखा देगा चेंज अकाउंट का, पर हमारे पास मेरे को अभी थोड़ी वीडियो बना रहे हैं तो हम नहीं करेंगे उसको, हम वापस बैक करेंगे यहाँ से। अभी एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा चेक करता हूँ मैं। चलो बैक कर देते हैं, थ्री लाइन पर टच करते हैं, वापस सेटिंग पर आ जाते हैं। सेटिंग में देखिए अपग्रेड स्टोरेज, मतलब कोई 15 GB का रीसेट स्टोरेज दिखाएगा, रीसेट करो सॉरी 15 GB का स्टोरेज दिखाएगा। ये नोटिफिकेशन सेटिंग है, ये चूज थीम है। अगर हमें डार्क थीम पे करना है डार्क थीम भी हो सकती है, लाइट थीम भी हो सकती है इसके अंदर, एंड बैटरी सेवर भी है। एंड जो ये आपको दिख रहा है ये डाटा यूजेज, ये आपको हमेशा ये ऑन मिलेगा, डाटा यूजेज है। खाली दिख रहा लिखा हुआ है ट्रांसफर फाइल ओनली ओवर वाईफाई, मतलब जब आपका वाईफाई होगा तब भी खाली आपकी फाइल अपलोड होगी हमेशा से। जब भी आप इसको न्यू यूज़र रहेंगे आपको दिखाएगा, पर मैंने इसको पहले से बंद कर रखा था। अब देखिए मेरा बंद हो चुका है, मतलब कि मेरा डाटा से भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है वाईफाई होना चाहिए, डाटा से भी जा सकता है मेरे यहाँ। वैसे आप बेहतर नहीं होगा कि आप वाईफाई को बंद रखें। अब आ जाएंगे हम सेंड हेल्प फीडबैक पे, सॉरी मतलब हेल्प फीडबैक पे आ चुके हैं हम। एक सेकंड वापस आते हैं, हेल्प फीडबैक ये रहा। अगर आपकी कोई इसमें दिक्कत आ रही हो कि आपको कुछ भी कैसे करना है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप यहाँ से भी दे सकते हैं, डिलीट एंड रिस्टोर फाइल गूगल डिवाइस सब कुछ ऐसा हो सकता है। आपको कॉन्टैक्ट करना हो कि आपको कुछ करना है, कि आपको कोई मैसेज भेजना है, कि आपकी कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, आप मैसेज यहाँ से भेज सकते हो हेल्प फीडबैक पे। वापस बैक करते हैं, थ्री लाइन पर वापस जाएंगे ऊपर। अब जाएंगे हम इसके स्टोरेज पे। यानी बताया था आपको ये 15 GB का फ्री स्टोरेज देता है। देखिए सामने इसका लिखा आ चुका है करंट प्लान। अगर आपका स्टोरेज में खरीदना भी चाहते हो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो कि इतने रुपये का इतना वो है स्टोरेज है, इतने रुपये में आप इतने महीने का खरीद सकते हो, इतने साल का खरीद सकते हो। एक सेकंड में आपको पूरा दिखाता हूँ वापस। अभी इसमें पूरा नीचे चार्ट बना हुआ है एक और, वो आपको पूरा दिखाता हूँ। बैक करेंगे यहाँ से, वापस ही लाइन पर जाएंगे। ये देखिए बाय स्टोरेज सामने ऑप्शन है, बाय स्टोरेज पर क्लिक कर दिया है मैंने। ये पेज खुल रहा है सामने, खुल गया यार जल्दी खुल गया। ये देखिए यहाँ पर दिखाने लग गया 130 रुपये में एक मंथ का, 130 रुपये में 100 GB मिलेगा, मतलब एक महीने का आपको 100 GB मिलेगा 130 रुपये में। 200 GB भी दे सकते हो 200 रुपये में, पर हम आ जाएंगे हम एक बार साल पे जो एनुअल लिखा हुआ ऑप्शन मंथली के बगल में, ये एनुअल का ऑप्शन पा चुके हैं। अब देखिए ये 1300 रुपये में दे रहा है हमें 100 GB साल के, मतलब 1300 रुपये देगा हमें साल के 100 GB में, मतलब सॉरी हमें मतलब हम देने होंगे 1300 रुपये में देने होंगे 100 GB के। अब वापस करते हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी तरह किसी भी तरह कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे कि मैंने अपने वो आपको फीडबैक दे सकूं कि हाँ ऐसे करिए आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नए अपडेट आपके पास आराम से पहुँच सके। एंड तब तक बाय।